जैसे कि आप सोशल मीडिया के स्टार हो, रियल लाइफ के भी स्टार हो, जैसे आपको फ्रेंड के म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुआ है, आप उनको हौसला बढ़ाने के लिए पुराना दोस्त है, क्या आपको लगा देखा आपने म्यूजिक तो कैसा लगा आपको गाने के लिए? जी हाँ जी, तो जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ दानिश का गाना है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं कि वो मेरा दोस्त है, बिकॉज उसमें इतना टैलेंट है, वो इतना अच्छा सिंगर है, लिखता भी इतना अच्छा है। और दानिश ने मुझे एक बात बताई थी कि जब वो दुखी होता है ना तब वो ज़्यादा अच्छा लिखता है, तो उसने शायद ये गाना वैसे ही कुछ लिखा होगा, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ओवरऑल और मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। नहीं, जैसे आपका एक शॉर्ट मूवी भी आया था माँ, वो काफ़ी काफ़ी पॉपुलर रहा, काफ़ी अभी चल भी रहा है अभी, और नेक्स्ट कुछ इस तरह के कुछ आने वाला है? नेक्स्ट जो आने वाला है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कुछ ऐसा आने वाला है कि उसमें मैं थोड़ा हिंट भी दे दूंगी आपको पता चल जाएगा, बट वो कुछ बहुत ही अलग होगा, बहुत अलग है। अरे शादी वाला क्या आप बोल रहे थे कुछ? मैंने एक्चुअली मेरी शादी होने वाली है ये डाला था, और पूरा मतलब मेरी ऑडियंस के लिए, क्योंकि उनको एंटरटेन करने के लिए थोड़ा सा मसालेदार कुछ मैंने क्रिएट किया था यूट्यूब पे जाके देखना, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो मतलब क्या रिएक्शन क्या आया आपके ऑडियंस के? क्या बहुत अच्छा आया रिएक्शन, एक दिन में मतलब 5-6 घंटे में वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 2 पे आ गया था मेरा, तो यस बहुत प्यार देते लोग, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे ही मैं मेहनत करती हूँ। रियल लाइफ में भी कब सहनाई बजने वाला आपका रियल लाइफ में? रियल लाइफ में देखो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मैं खुश हूँ मेरी मम्मी फैमिली के साथ, पता नहीं अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकती 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, जब होना होगा ऊपर वाला करा देगा, अभी तो फोकस। अच्छा, मुस्कान का अभी न्यू एल्बम कब आने वाला है? अभी आने वाला है मे बी अगले महीने। क्या रॉक क्या धूम क्या रहेगा? रेहान के साथ आने वाला है, और ये जो गाना है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, तो जब आएगा तब एक लाइन गा के सुनाओगे? एक लाइन नहीं, याद तो कैसे बता दो, अभी गाना आया नहीं है। अच्छा चल ठीक है, जाते जाते ना टीवी से बॉलीवुड में बोल करके आपके नाम के साथ आईडी टीवी से बॉलीवुड। हाय दिस इज मुस्कान शर्मा फॉर वॉचिंग मी ऑन टीवी से बॉलीवुड। थैंक यू।